I had very few scenes with her. All what I've noticed about her is she's bang on. She's very precise in her work. She's very apt and she knows her job really well. So I don't think she ever really had to ask the director, "Main aisa karu ya is this correct or what?" She just knows her job too well. So that really, I really liked that fact about her, that, you know, she knows the mind. I mean, being a senior actor, she can have a vision of the film in her head and, you know, portray accordingly. So I really like that. अच्छा डायरेक्टर की बात करें नरेश जी की, तो काफी एक्सपीरियंस है, वो बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया उन्होंने, अक्षय की बात करें या फिर गोविंदा सर की। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार आया था उनके ऑफिस इस फिल्म की ऑडिशन के लिए, मैंने इस फिल्म के लिए 6 ऑडिशन दिए, उसके बाद मुझे ये रोल मिला है। तो मैं जब पहली बार आया था नरेश जी से मिलने, मुझे लगा यार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, हो सकता है खड़ूस आदमी हो, स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सा एरोगेंट हो, यू नेवर नो, शायद मिलने को भी ना हो, असिस्टेंट से मिलवा के भेज दें वहाँ से। पर आप मानेंगे, उन्होंने एक घंटा बैठ के मुझे कहानी सुनाई मेरे ऑडिशन से पहले, और वो मेरे साथ नहीं, हर बच्चे के साथ जो आ रहा था ऑडिशन देने के लिए, उसके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। ही इज़ सच अ ग्रेट मैन कि उनको लगता है कि कोई अगर ऑडिशन भी दे रहा है तो उसको कहानी पूरी तरह पता होनी चाहिए। और मतलब मैं सच बताऊँ, उनके साथ काम करने से आप इतना सीखते हैं ना, बिकॉज ही इज़ अ थरो परफेक्शनिस्ट। ये जो टाइटल है ना, इश्क ने क्रेजी किया रे, ये उनका ही टाइटल है, और ये उनके लिए ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेजी उन्होंने किया था उनको सेट पे। इतने बड़े, इतने परफेक्शनिस्ट टेक्नीशियन है, उनको पता है ये लाइन यहाँ से यहाँ बोलनी है और ये लाइन यहाँ देख के बोलनी है, अगर आपने नहीं बोले तो कट, दोबारा से रीटेक। ही इज सच अ ग्रेट परफेक्शनिस्ट। नो परफेक्शनिस्ट इन द सेंस ही मीन्स द जेन्युइनिटी। व्हेन यू इमोट, यू आर नॉट सपोज टू एक्ट इन दिस फिल्म, यू हैव टू फील इट एंड रिएक्ट। दैट वाज हिज पॉइंट। सो यशराज के कैंप के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने ये जो फिल्म बनाई है ना, इट इज़ अ मिनी बेबी यशराज फिल्म। इट इज़ अ लार्जर देन लाइफ फिल्म विथ अ लव स्टोरी, अमेजिंग लोकेशंस, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, क्योंकि नरेश जी के जो म्यूजिक सेंस है वो बहुत ही अच्छा है। आप ओले ओले देखें या दिल के रिश्ते के गाने देखें, उनका म्यूजिक सेंस इतना अच्छा है कि वो इस फिल्म में भी दर्शाता है। हमारे फिल्म की जो USP है, दैट इज़ आर म्यूजिक, बिकॉज जो गाने हैं वो आज के यूथ के लिए है। BED यंग यंग लॉन्डे जो हमारा एक गाना है मीत ब्रदर्स का, या फिर हाय इश्क जो कर बैठा, इश्क अच्छा लगता है, सबके सब गाने ना यूथ के लिए और यूथ को टारगेट करते हैं, और ये गाने इस फिल्म को सुपरहिट कर देंगे। आप देखो, यू थिंक वी आर डिफिकल्ट विद ईच अदर? नो, नॉट, वी आर लाइक टू ब्रोज, बता रहा हूँ। आई एम हिज ब्रदर, शी इज माय ब्रदर। ये आदमी अंदर से बताना मत किसी को। देखिए, इश्क ने क्रेजी किया रे इज़ अ वेरी हैप्पी फिल्म। ये आज की फिल्म है, आज के इश्यूज़ की फिल्म है, जिसको हमने बहुत ही कॉमिक और फनी वे में हमने प्ले किया है। ये एक यूथ ओरिएंटेड फिल्म है, एंड इट्स अ फिल्म विद अ वेरी हैप्पी एंडिंग। गो एंड वॉच इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू विल लव इट फॉर श्योर। थैंक यू।